أنت خير الوارثين، أنت ربي أنت مولى، 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 أنت خير الوارثين، أنت ربي أنت مولى 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 أنت خير الوارثين، يا وارث حق 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 وارث الله وارث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وارث حق وارث 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 الحمد لله الله رب العزت ہم سب پر احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت مفتی شاہ ولی کے دربار میں ذکر کی مجلس میں ایک جگہ جمع کر دیا یہاں ہم سب کا جمع ہو جانا صرف اور صرف سرکار والے سے پاکی محبت اور ہمارا دنیا کا کوئی غرض نہیں ہے کسی سے کچھ لینا ہے دینا نہیں صرف اور صرف ہم سب جمع ہوئے ہیں تو سرکار وارث پاک کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ذکر اذکار کرنے کو قبول فرمائے تو الحمدللہ سرکار وارث پاک کے عاشق ہیں
सरकार वाली से पाक की शान में बोलना और सुनना हमारे लिए फर्ज है। बोलना भी है और सुनना भी है, बोलते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। एक वाकियात को ऐसे याद करेंगे, इतना बोलेंगे कि वो नक्शो कदम हमारी जिंदगी में आ। बार बार एक वाकया बोलेंगे, नए नए वाकया बोलेंगे कुछ अट्रैक्शन देंगे, ऐसी कई बात नहीं। हमारा यहाँ जमा होना मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत में सरकार वाली से पाक के वाकया को हमें बोलते रहना, सुनते रहना, याद करते रहना कि सरकार वाली से पाक की शान कैसी है, सरकार वाली से पाक जितनी बड़ी शान के मालिक हैं और हमें सभी उनके मुरीदा हैं, उनके आशिका हैं, तो सरकार वाली से पाक हमना सबको भी कबूल करें तो यह सबसे बड़ी बात है। तो सरकार वाली से पाक की शान आला और अफजल है। वाकियात जो सरकार वाली से पाक के आशिक रूबरू देखे, सिर्फ वज वाकियात भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। सरकार के आशिक सामने जो नज़र आता था वो देख को लिखते थे, महफिलों में जो सामने नज़र आता था वो देख को लिखते थे, उसके अलावा सुनी सुनाई बात नहीं करते। तो अलहमदिल्ला सरकार वाली से पाक की शान बहुत आला और अफजल है। तो ये मोहम्मद अली नाम के एक आदमी थे, उन्होंने फौज में काम करते थे, फौज यानी कि मिलिट्री। मिलिट्री वालों का तो मामला ऐसा रहता है कि कभी ये शहर में रहती तो कभी दूसरे गांव में रहती, कभी जंगल में रहती, कभी पहाड़ों में रहती, उनकी जगह का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मोहम्मद अली साहब वारसी मिलिट्री में काम कर ले बोलते, और काम करने के दौरान एक गांव से दूसरे गांव को जाना होगा, रास्ते में साथियों से बिछड़ जा तो जंगल के अंदर चले। जंगल में जा रही वापसी का रास्ता नहीं, बहुत दूर जाको जंगल के अंदर घने गया। सुबह से शाम होगी, फिर शाम से सुबह भी होगी, इन्होंने रात को भी चले, दिन को भी चले, इनको रास्ता नहीं मिलता। और चलते चलते हालत खराब हो गई और भूख की वजह से तो बेहाल हो गए, परेशान हाल हो तो एक जगह जाकर बैठे। कुछ देर बाद एक सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था, झाड़ था, वो झाड़ के सामने, वो झाड़ के साये में एक बुजुर्ग बैठ गए। मोहम्मद अली साहब को बड़ी दिल को खुशी हुई, मैं तो रास्ता भटक गया था, चलो अच्छा हुआ कम से कम ये जंगल के अंदर एक बुजुर्ग की दीदार तो होगी, चलो जाकर मिल लेंगे वो बुजुर्ग से। घर को मोहम्मद अली साहब जाकर उनसे वो बुजुर्ग से मिले। अब वो बुजुर्ग इनको देख को बोले तो बेटे तुमने भूख बदला की लग गई, पहले जाकर तुम्हें खाना खा लिया। इतना जैसे ही खाना खाने गए, खाने को वापस आए तक वो बुजुर्ग नहीं, वो बुजुर्ग नहीं थे। खाने पेट भर गया, फिर चलना सफर शुरू करे, फिर दरमियान ये रास्ते में वो बुजुर्ग फिर नजर आए। बेटे क्या यत्ता तुम्हें पूरे जंगल में फिरना, क्या बात है? अगर वो पूछे सब मालूम है फिर भी पूछ रही क्या बात है? तो बोले मैं ऐसा फौज में काम करने वाला, रास्ता भटक गई होंगी, मुझे गाँव को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कम से कम दो दिन हो गए मैं मेरे साथियों से पिछड़ गया, रास्ता नहीं मालूम मरा, फिक्र करने की बात नहीं करते, तुम्हें जरा पता अंख्या बंद कर दो और मेरे साथ चलो। अंख्या बंद करे, चार या पाँच कदम चले थे कि इन्हों इनके साथियों के साथ पहुँचो, फिर वापस इनकी क्या उन्हें आ गए। बड़ी परेशानी हुई या हादिसा जो हुआ देखो, और अपने साथियों को बोले मैं दो तीन दिन से नहीं था, कहीं की जंगल में भटक गया था, तो उनके साथियाँ बोल रही तुम्हें हमारे से दूर गए काम, तुम्हें हमारे साथी थे काम भी नहीं गए तुम्हें,
हमारे साथ में से हमारे साथ खा रही पी रही चल रही फिर हंसते ना कहाँ गए, परेशान हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिल परेशानी में क्या हुआ, अब ये मिलते की रूटी मेरे से कर नहीं सकता मैं, चलो मैं पर रसाले लेकर घर पूछ उनका घर आकर राजस्थान में था। राजस्थान में घर को चले गए के बाद में भी परेशान हाल थे, क्या ये ऐसा हादिसा हुआ ना मेरे सामने, क्या हुआ ये, खुदा की तरफ से दिन के रास्ता मुझे कहाँ तो भी अपनाना रहेगा, चलो कहाँ तो भी जाको पीर के पास जाको बैत ले लेंगे, बैत ले लेगो दीन का सही रास्ता पकड़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, कुछ दिल में ऐसा ख्याल आया। तो उनके गांव के अंदर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आराम फरमा रहे थे, उनका नाम सुलेमान शाह हादी रहमतुल्लाह। सुलेमान शाह हादी रहमतुल्लाह के दरबार में जाकर पहुँचे और मुसावर से दरख्वास्त करे कि मैं बैत लेना चाहता हूँ। भाई बैत ऐसे नहीं होती, तुम्हें आज की रात यहाँ आराम करो, सो जाओ, अपना ख्वाब में जो बशारत पढ़ते सुबह को मुझे बोलो, उसके बाद बैत का बारे में बात करें। पहले के ज़माने में ऐसा बैत नहीं देते, पहले मुरीदों को परखते थे, पहचानते थे दिल में तड़प क्या है, तलब क्या है, इन्हों क्या बनना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, पूरी छानबीन करते थे और खुदा की तरफ से जब तक इशारा नहीं होता बैत। तो ये मोहम्मद अली साहब वो दरबार में रात को बयान करे आराम कर रही, तो ख्वाब में देख रही कि सुलेमान शाह हादी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार फटी, उसमें से एक बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग आपको क्या बोल रहे, तुम्हारे पीर तुम्हारा वहां इंतजार करे, सीधा देवा शरीफ को चले गए। सुबह को उठे, उठने के बाद फौरन सामान्य सफर बांधे और सीधा देवा शरीफ को चले। अब देवा शरीफ को जाने के बाद सरकार वारी से पाक की महफिल सच को है, सरकार वारी से पाक बाजो नसीहत कर ले तुम्हें। मोहम्मद अली साहब जैसे ही सरकार वारी से पाक के ऊपर नजर पड़ी, जाकर फौरन खत्मा में गिर गए और बोले सरकार मुझे अपना बंदा बना लीजिए, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, मुझे अपना आशिक बना लीजिए। सरकार वारिस पाक देखे मोहम्मद अली साहब को, मुस्कुराए और बैत से सरफराज करे, इत्मीनान से मजलिस में बैठे। मजलिस खत्म होने के बाद जो मजलिस में बैठे थे सरकार के आशिक, उन्होंने पूछे कि भाई तुम्हारा ऐसा क्या बात नजर आई सरकार वाली से पाक में कि तुम्हें फौरन एक दिन के फम्मा में गिरे और बैठ दे डालो, मेरे को पूछे ना ये क्या माजरा हम ना बोलो। तो मोहम्मद अली वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या बताती, मैं जब मिट्री में रास्ता भटक को जंगल की तरफ चलेगा, मुझे भूख और प्यास लगी थी, उस वक्त में ये दरख्त के साये में ये बुजुर्ग बैठे थे, जो मेरी हालत देखो मुझे खाने की तरफ इशारा करे, वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे, वो सरकार वारिस पाक, या वारिस सरकार वारिस पाक थे। खाने के बाद में बुजुर्ग नजर नहीं है, फिर जंगल में तलाश करता रहा, फिर मुझे रास्ता बताने वाले भी वारिस पाक, या वारिस। मैं बैत की गरज से सुलेमान शाह फादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर आराम करया, खुदा से इल्तिजा कर ले था कि मेरे पीर से मुझे गिरा दे, मैं बैत होना चाहता हूँ, सही रास्ते पर जाना चाहता हूँ, मैं खुदा और रसूल को पहचानना चाहता हूँ, नियत कर ले सोया था, मुझे ख्वाब में बशारत हुई कि सुलेमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार फटी, उसमें से जो बुजुर्ग निकले थे वो भी वारिस से पास। या वारिस, आपको क्या बोल रही, तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, देवा शरीफ को चले जो कर दो, मुझे रास्ता बताने वाले भी वारिस पाक। अब आस्ताने आलिया में मैं जाकर आपको देख रहा हूँ, जो वाजो नसीहत कर ले गो बेटी, उन्हों भी वारिस पाक, हर जगह मेरी निगेबानी करे, मुझे सही रास्ता बताए, मैं टांगी था मुझे यहाँ तक ले लगा पहुंचे, मेरे पीर के ऊपर मुझे भरोसा है कि मेरी दुनिया भी बना सकती और मेरी आखिरत भी बना सकती।
तो सरकार वाली सेवा की शान ऐसी है कि सरकार अपने मुरीदों को, अपने आशिकों को सरकार क्या बताती, हमारे जितने भी आशिक हैं जितने भी मुरीद बना सकते।